स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में मेरे साथ है होंडा की हॉर्नेट CB160R। सो आज की इस वाली वीडियो में हम ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं इस गाड़ी का, और इस गाड़ी के ऑनर से आपको मिलाऊं तो इस गाड़ी के ऑनर है मिस्टर राजा। और इनके बारे में बताऊँ तो ये MBBS के छात्र हैं, और MBBS का जो एग्ज़ाम है क्लियर करने पर उनके पापा ने ये वाली गाड़ी उन्हें दिलाई थी। इस वाली गाड़ी को इन्होंने चला लिया है अभी तक लगभग 9230 किलोमीटर, और इस गाड़ी को इन्होंने लिया था 2018 नवंबर में। सो काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, और देखते हैं इस वाली गाड़ी का इन्हें कैसा क्या रिस्पॉन्स मिला था। सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी का छोटा सा टूर करा देता हूँ, वॉक अराउंड करा देता हूँ, आप देख लें गाड़ी दिखने में कैसी लगती है, क्या इसमें स्पेशल चीज़ें हैं, और उसके बाद हम राजा से कुछ सवाल जवाब करेंगे, जैसे कि कितना देती है और क्या परफॉर्मेंस है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव इसमें लगे, कैसी क्या ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस रही है, आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इसके क्या ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं। सो वो सारी बातें हम करेंगे इस वाली वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का फ्रंट लुक दिखा देता हूँ। फ्रंट से दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, और थोड़ी थोड़ी जो एक्स ब्लेड करके जो गाड़ी एक्स ब्लेड ही है ना होंडा की, और देखने में थोड़ी थोड़ी एक्स ब्लेड की तरह इसकी हेडलाइट्स लगती है। और सामने की तरफ बात करूँ तो इसमें इसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर सामने में हेडलैम्प के तरफ एक कांच है, उसके अंदर ही हॉर्नेट की बेजिंग देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके से इसके सामने वाला मडगार्ड आता है, और यहाँ पर फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको डायमंड कट में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। और अब इसकी बात करें इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल होंडा स्टाइल के, जो कि होंडा हर गाड़ी में इसी तरीके के इंडिकेटर प्रोवाइड करता है, आप कोई सी भी गाड़ी उठा के देख लो वो वाले इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। और ORVM, भाई ORVM की क्या बात करूं, आपको हर गाड़ी में यही ORVM देखने को मिलेंगे। आप मेरी लीवो में भी देखेंगे तो सेम ORVM है, मतलब कि गाड़ी अगर सेगमेंट बढ़ता है तो भाई थोड़ा सा ORVM बड़ा और अच्छी क्वालिटी का देना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बाकी आप देख सकते हैं साइड में इसमें हॉर्नेट की बेजिंग दी हुई है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो गाड़ी है ये स्पेशल एडिशन है हॉर्नेट का, और यहाँ पर CB हॉर्नेट 160R की आप बेजिंग देख सकते हैं। इस वाली गाड़ी में आपको HET टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये गाड़ी BS4 है ना कि BS6 है। सो बाकी आप जो कलर देख सकते हैं गाड़ी का, ब्लू कलर है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इस वाली गाड़ी की छोटी बहन अगर आप जाने तो लीवो है, बहुत हद तक सेम देखने को मिल जाती है। और पीछे वाले टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको पीछे में 17 इंच का टायर और आगे भी 17 इंच का टायर देखने को मिल जाता है, लेकिन पीछे वाला जो टायर है ये थोड़ा सा चौड़ा है और ज़्यादा अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। इसका साइलेंसर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। और अगर सीट की बात करूँ तो भाई जो काम ये वाली गाड़ियाँ करती है ना ट्रिपलिंग वाला, वो इस वाली गाड़ी में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। क्यों भाई, तीन लोग को बिठा के घूम लेता है इसमें, दिक्कत आती है मुझे पता है। ये वाला जो पोर्शन है आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे हालत होती होगी। बाकी अगर आप इस गाड़ी को मतलब परफॉर्मेंस के लिए लेना चाहते हैं ना, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है। पीछे से कुछ इस तरीके का यहाँ पर हेडलैम्प टेल लैम्प आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी देखने को मिलती है। आप एक बार इसका अगर टैंक देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा एकदम ब्लैक फिनिश में ड्यूअल टोन में आपको देखने को मिल जाता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उस समय जब ये गाड़ी आती थी तब इसमें ECU इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, अभी जो हॉर्नेट 2.0 है उसमें ECU आ चुका है। सो ये उस समय भी काफ़ी ज़्यादा डिजिटल और अच्छा इंस्ट्रूमेंट कंसोल लेके आती थी। इसमें आपको RPM, टाइम, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर सब कुछ एक साथ ही देखने को मिल जाता है। बाकी कंट्रोल वगैरह सब कुछ इसमें अच्छे हैं। एक बार मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके बता देता हूँ कैसी इसकी आवाज़ है। तो वन टच में एकदम मक्खन की तरह स्टार्ट होती है, और इसके इंजन की आप एक बार साउंड सुनेंगे तो आप भी कहेंगे भाई होंडा के इंजनों में जो साउंड है वो काफ़ी अच्छी है, एकदम स्मूथ जो सूथिंग साउंड है वो आपको इस वाली गाड़ी में देखने को मिल जाती है। क्या हो गया, इस वाली गाड़ी के सस्पेंशन की बात करूं तो आपको इस गाड़ी में एक सिंगल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ, जो कि इस सेगमेंट की ज़्यादातर गाड़ियों में आ रहा है।
और ये कैसे कितना वर्क करता है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस गाड़ी को मैंने ज़्यादा चलाया नहीं, हालांकि चला के देखा है और काफ़ी अच्छा मक्खन की तरह है, उतना स्टिफ नहीं है जितना लीवो के सस्पेंशन है। सो मैं लीवो को बार बार इस गाड़ी से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि भाई लीवो मैंने ज़्यादा चलाई है, तो आपको इसमें हर चीज़ लीवो से थोड़ी सी ज़्यादा ही देखने को मिल जाती है। सो फटाफट बिना देरी के हम अब बात कर लेते हैं इसके ऑनर राजा हिरवे जी से। सो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये गाड़ी देती कितनी है। मतलब अगर मार्केट में बात करें तो 45 के लगभग दे देते, ठीक है, और उसके बाद अगर हाईवे पे बात करें तो 50 के लगभग दे देते। 50 के लगभग? हाँ 50 के लगभग। सही है। तो मतलब लॉन्ग ट्रिप, मतलब कितनी लॉन्ग ट्रिप इससे करी है अभी तक? बहुत सारे लॉन्ग ट्रिप गए हैं, मतलब लोग, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप कितने किलोमीटर की थी? 100 किलोमीटर के लगभग। 100 किलोमीटर के लगभग। तो 100 किलोमीटर में कैसी क्या परफॉर्मेंस आपको इसको देखने को मिली इसकी? मतलब कितने लोग बैठे थे? मतलब तीन लोग ही जाते हैं, हम लोग तीन फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तीन लोग ही जाते हैं हमेशा, तो मतलब ठीक है। तीन लोग, प्रॉब्लम आती है थोड़ी अगर साथ में रहते तो, लेकिन मतलब थोड़ी ही आती है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा, तो मतलब चल जाते हैं बहुत अच्छे, है ना। बाकी पावर वगैरह, घाट वगैरह पे कैसी तो क्या? बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। और मतलब क्या इस चीज़, क्या इस गाड़ी की अच्छी चीज़ लगी जो मतलब इसको आपने लिया? पावर और लुक। पावर और लुक, पावर और लुक, है ना। लुक तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। तो भाई इस गाड़ी के बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ जो तुमको बेकार लगी हो कुछ बताओ। मतलब यही है कि मतलब तीन को बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सीट साइज जो है कि काफ़ी थोड़ा छोटा है। हाँ, हाँ, और उन टाइप के लोगों के लिए नहीं है जो कि नॉर्मल आपको डे टू डे लाइफ में सब्जी वगैरह खरीदने जाना हो या कुछ इस तरीके का काम है, तो आप कम्यूटो सेगमेंट में लो। ये कम्यूटो सेगमेंट से थोड़ी सी अप सेगमेंट में आ जाती है। आप अगर इससे थोड़ा स्टाइल बाजी मारना चाहें या घूमना फिरना चाहें तो आप इस वाली गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी भाई अगर ये मतलब ये वाली गाड़ी से अपग्रेड करना चाहो तो आप कौन सी गाड़ी लोगे? KTM RC 390। RC 390 के दीवाने हैं भाई अपने, बहुत बड़ा भाई। सो ये कुछ चीज़ें थी। सर्विस की बात करूँ तो इस गाड़ी की सर्विस प्रत्येक 3,000 से 4,000 किलोमीटर के बीच में हो जाती है, और अभी तक मतलब 10,000 किलोमीटर ही चली है गाड़ी, तो जितनी फ्री सर्विसेज थी वही चल रही। पेड सर्विस इस गाड़ी की अभी तक एक भी नहीं हुई है, और गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी से अच्छे से मेंटेन करके रखी भाई ने। कलर वगैरह जो आप देख सकते हैं प्रॉपरली गाड़ी में काफ़ी अच्छा है, जैसा कि मैंने अपनी होंडा वाली वीडियो में बताया था, उसका कलर एकदम बकवास हो चुका है। ऐसा वैसा इस वाली गाड़ी के साथ कुछ भी नहीं है, और परफॉर्मेंस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में कि ये गाड़ी पड़ी कितने की थी। हम लोगों ने फाइनेंस करवाई थी। हाँ। तो 40,000 रुपये पे कर दिए थे हम लोगों ने। हाँ। उसके बाद 4,000 रुपये की किस्त बनवाई थी दो साल के लिए। 4,000 रुपये की 2 साल के लिए किस्त थी, और 40,000 रुपये कुछ डाउन पेमेंट किया था। सो फाइनेंस में ये 1.5 लाख के आसपास गाड़ी लगभग पड़ गई है। और उस समय इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस क्या थी वो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर सामने शो हो रही होगी। बाकी ये वाली गाड़ी का जो BS6 वेरियंट है उसकी ऑन रोड प्राइस क्या है वो भी मैं आपको साथ ही उसमें बता देता हूँ। सो ये कुछ बातें थी होंडा हॉर्नेट के बारे में। कैसी लगी आपको गाड़ी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये तो ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा इस वाले चैनल को कार बाइक से रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।